अस्सलाम वालेकुम। आज ये मशीन के बारे में कुछ जानकारी दिखाने जा रहे हैं आपको। ये मशीन क्या है, थोड़ा जाम चलती है और ऊपर से आवाज़ बहुत करती है। जाम चलती है, आवाज़ करती है, इसमें सब कुछ देख लिया हूँ लेकिन यहाँ से गड़बड़ है। ये सुई सराई, ये जो रड है ना, रड से गड़बड़ है, इसी से थोड़ा भारी चलती है। इसका चाल बहुत भारी है, तो इसका चाल हल्का करेंगे। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे, इसका चाल हल्का करेंगे और ये जो आवाज़ का थोड़ा सेटिंग है इससे करेंगे। अगर ये सही से, कभी कभी मोटे कपड़े भी चलाते हैं ना, ज़्यादा मोटा या जीन्स कपड़ा रहा तो उससे क्या है, सुई लग लग के है ना, ये रड ऊपर चली जाती है। ये रड को हम सेटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको खोलेंगे, ये प्लेट को खोलेंगे, प्लेट को खोलेंगे, फिर उसके बाद ये रड को खोल के निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या खराबी है। तो सबसे पहले हम इसको, ये बोल्ट को मैं पहले से ढीला कर रखा हूँ, अब इसको खोल लिए और ये जो बोल्ट दिख रही है, ये बड़ा बोल्ट खोलेंगे। अभी इसको सुई खोल के भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर से है इस तरह, ये नीचे मारेंगे, हल्लू हल्लू मारेंगे ताकि अपनी जगह से बाहर आ जाए। अब ये पूरा राउंड नाच रही है। अब इसको क्या है, ऐसे राउंड नचा नचा के इसको ऊपर खींचेंगे। क्या है कि बहुत दिन के बाद खुली है, इसके वजह से जाम है, जल्दी निकल नहीं रहता। हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। इसको अच्छा से फिराएंगे। ये ऊपर आ गई है, अब इसको ऊपर पकड़ लेंगे, खींच लेंगे। ये देखिए, ये बोल्ट निकल गई है ना, ये किसी किसी कपड़े पे टांका बहुत छोड़ती है। तो ये बोल्ट को हम ऐसे फिर आके देख लेंगे कि एक जैसा है या नहीं, यानी बोल्ट ये सीधा है, बड़ा ये जो रड है ना, ये रड सीधा हुआ है, एक जैसा घूम रहा है, कहीं पे भी फोल्ड नहीं मार रहा है। अगर ये बेंड रहेगा ना तो उछल उछल के चलेगा, तो ये सही है।
ये जो बोल्ट है इसको भी हम चेक कर लेंगे कि कहीं पे कट उट तो नहीं ना गया, घिस तो नहीं ना गया। यहाँ पे एक बोल्ट रहता है, ये भी चेक कर लेंगे खुला हुआ तो नहीं है। खुला ये सब बोल्ट खुला हुआ रहता है तो क्या है, इसमें लगती है, ये बॉडी में लगती है, लगने की वजह से बहुत जाम चलती है। तो हम इसको चेक कर लेंगे अच्छा से। इसमें देख लेंगे कि ये अच्छा से फ्री है कि नहीं। तो ये सही फ्री है। अब इसको लगाएंगे। ये रड को फिर जैसे था उस तरह हम फिटिंग करेंगे। अब इसको इतना ही पे हम रहने देंगे और इसको ऊपर से मारेंगे। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। अब इसको दोनों को पकड़ लेंगे, सपोर्ट हो जाएगी। अब इसको हम अच्छा से टाइट कर देंगे। देखेंगे चला के थोड़ा नीचे आएगी रड। हम इसको हल्का ढीला करेंगे, ज़्यादा ढीला नहीं करेंगे। हल्का ढीला करने के बाद ऊपर से हल्लू मारेंगे। बस अब इसको हम टाइट कर लेंगे। ये देख लेंगे सुई का जो खांचा है बाहर की तरफ रहे, ये जो सुई का खांचा दिख रही है वो बाहर की तरफ रहेगी। पहले हम उल्टा चलाएंगे फिर उसके बाद सीधा चलाएंगे। अब सुई लगा के देखेंगे। अब इसका डब्बी लगा लेंगे, देखेंगे कि कहीं पे टांका तो नहीं छोड़ रही है।
ये देखिए टाँका नहीं पकड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम ढीला करेंगे, थोड़ा और नीचे मारेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा नीचे कर लिए, अब इसको टाइट कर लेंगे। अब थोड़ा सिलाई मार के देखेंगे। देखिए सिलाई मारे, सिलाई भी हो गई। तो कभी भी ये बोल्ट खुलेगा, ये रड खुलेगा, तो रड खुलने के बाद थोड़ा मिलाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, सुई को थोड़ा ऊपर नीचे सेटिंग करना पड़ता है। और एक जगह सेट हो गया तो हमेशा के लिए चलते रहेगा। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया रड का सेटिंग। इसको अच्छा से हम टाइट कर लेंगे ताकि कभी खुले ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और कोई भी सवाल है कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें।